मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर यू एकेडमी में। आज हम यहां पर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 का जो क्लास टेंथ का स्टैंडर्ड मैथ्स पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। 31 क्वेश्चन से आगे वाले क्वेश्चन, यानी कि 31 क्वेश्चन नंबर जो है उससे आगे वाले क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। यानी कि ये हमारी जो है पांचवी वीडियो है, यानी कि पार्ट फाइव, ये इसका यानी कि पांचवा पार्ट है। तो अगर आपने अभी तक वो पीछे वाले क्वेश्चन नहीं देखे तो उसे देखें और उसके साथ में इन क्वेश्चन को भी जरूर देखें कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके आए हैं और किस तरीके से इनको सॉल्व करना था। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण, यानी कि एक त्रिभुज है कोई, उसकी भुजाओं के समीकरण ये दिए हुए हैं। 2y-x = 8, 5y-x = 14 तथा y-2x = 1 द्वारा प्रदत्त है। तो आलेख द्वारा इसके निर्देशांकों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसा आप इंग्लिश में भी यहाँ देख सकते हैं, डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल, द इक्वेशन ऑफ हूज साइड्स आर गिवन बाई 2y-x = 8, 5y-x = 14 एंड y-2x = 1। तो यहाँ पर हमारे पास में यानी कि तीन इक्वेशन दी हुई है, 1, 2, 3। अब तीन इक्वेशन दी हुई है तो इन इक्वेशंस को सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इनसे कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो कोऑर्डिनेट निकालने के बाद में उनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है और फिर उससे जो उनके कोऑर्डिनेट आएंगे तो उनसे हमें पता चल जाएगा उनके कोऑर्डिनेट कहाँ पर मिलते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि सबसे पहले हमारे पास में इक्वेशन है 2y-x = 8, 2y-x = 8। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है। इस इक्वेशन के थ्रू हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, एक्स के और वाई के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं, लेट यानी कि माना x = 0, x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, 2y-0 = 8 हो गया, यानी कि 2y-0 = 8। तो यहाँ पर 0 है ये, तो 2y यहीं पर रह जाएगा, 2 को इधर ले जाएंगे तो 8/2 = 4। तो यानी कि हमारा ये y की वैल्यू 4 हो गई x की 0 पुट करने पर। अब हम यहाँ लेट करते हैं आगे, लेट y = 0, एक बार y को 0 पुट कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में यही करिए, एक बार x को 0 पुट कर लीजिए, एक बार y को 0 पुट कर लीजिए। तो y को 0 पुट किया, y को 0 पुट करने पर क्या वैल्यू आई, y को अगर 0 पुट करते हैं तो 2 × y की वैल्यू 0-x = 8। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 हो गई, ये 0-x = 8, तो यानी कि x = आपके हो गया, माइनस इधर चला जाएगा तो x = -8 हो गया। तो दो पॉइंट आपके पास में आ चुके हैं, तो दो पॉइंट काफी हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि ग्राफ पर किसी भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। दो पॉइंट आप निकाल लीजिए, काफी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक टेबल बना लीजिए, क्या बनाइए, टेबल बना लीजिए, टेबल नंबर 1 लिख लीजिए यहाँ पे। और ये टेबल में लिखना क्या है, आपने यहाँ पर ऊपर x और यहाँ पर y, x का पॉइंट पहले आपने 0 पुट करा और इससे निकल के आया आपका 4, फिर यहाँ y की वैल्यू 0 पुट करी, इससे निकल के आएगा आपका -8, ये आ गया। इसके बाद में अब सेकंड इक्वेशन थी हमारी, सेकंड इक्वेशन क्या थी, 5y-x = 14, 5y-x = 14, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन से एक बार लेट x = 0 पुट कर दीजिए तो y = क्या होगा आपका, y = हो जाएगा आपका यहाँ पर 5y-0 = 14। तो यहां पर ये 0 हो गया तो y = 14/5, 14/5 हो गया, तो यहां पर 14/5 हो गया। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 5 से 2 बार जाएगा, 2.8 आपका ये आ गया। ठीक है जी, एक पॉइंट तो ये हो गया। आप दूसरी बार में लेट कर सकते हैं, लेट y = 0, एक बार y की वैल्यू आप 0 पुट करते हैं तो 5 × 0-x = 14, तो ये तो 0 हो गया, 0-x = 14, तो यहां पर x
ये पॉजिटिव रहा और इसको यानी कि इसके माइनस को इधर ले गए तो ये 14। तो यानी कि हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई दो, यानी टेबल नंबर टू हो गई आपकी, टेबल नंबर टू, टेबल नंबर टू हो गई। आप यहां पर x लिखिए y लिखिए, x की वैल्यू 0 तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 2.8, और यहां पर y की वैल्यू 0 पुट करिए इसकी आ गई आपके माइनस के 14। तो ये इक्वेशन नंबर टू भी आपकी सॉल्व हो गई। इसी तरीके से आप इक्वेशन नंबर थ्री जो थी वो आप निकालेंगे, तो y माइनस के 2x इक्वल टू 1, यहां पर लेट यानी कि माना x इक्वल टू 0 पहले पुट कर रहे हैं, तो यानी कि y माइनस के 2 इंटू के 0 इक्वल टू 1। तो यहां पर आपने y माइनस के 2 की यहां पर मल्टीप्लाई करी तो 0 इक्वल टू 1, 2 की 0 की मल्टीप्लाई करी 0 हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। फिर लेट करिए, अब y की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, लेट y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 पुट करी तो यहां पर इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो यहां पर 0 माइनस के 2x इक्वल टू 1, तो ये 0 हो गया 0, तो यहां पर ये 0 हो गया तो ये 2x बचा, 2x इक्वल टू माइनस 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 अपॉन में माइनस 2। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको 0.5 लिख सकते हैं, लेकिन ये माइनस का है तो ये माइनस का हो गया, माइनस का 0.5। तो आपके पास में टेबल नंबर 3 आपकी ये बन गई टेबल नंबर 3। अब टेबल नंबर 3 आप यहां पर बना लीजिए, टेबल नंबर 3 आपकी किस तरीके से बनेगी, ये x और ये y, तो यहां पर x की वैल्यू पहले आपने 0 पुट करी, y की वैल्यू कितनी आई 1 आई, फिर y की वैल्यू 0 पुट करने पर इसकी वैल्यू माइनस के 0.5 आई। तो आपके पास में दो वैल्यू यहां पर आ गई, दो इसकी दो इसकी, आपके पास में तीनों इक्वेशन की सॉल्व होने के बाद में आपके पास में ये आ चुकी है, ये आपकी तीसरी इक्वेशन थी। तो यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड से आपके कोऑर्डिनेट निकल गए, अब इनसे आप क्या करेंगे, यानी कि जो आपका ग्राफ पेपर होता है उस ग्राफ पेपर पर, इस ग्राफ पेपर पर आप क्या करेंगे, ये देखिए पहले 0 एंड 4 यानी कि x का 0 y का 4, x का 0 और y का 4, तो ये हो गया यहां पर ये पॉइंट। फिर इसके बाद में है x का माइनस 8, x का माइनस 8 यहां पर है और y का 0 यहां इसी लाइन पर होगा, तो यानी कि ये कोऑर्डिनेट हो गया इसका, ठीक है जी। इसके बाद में आपका ये दो पॉइंट हो गए, इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे यानी कि मिला देंगे, यानी कि स्केल के थ्रू आप इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे मिला देंगे। तो यहां पर आप कहीं पर भी इस इक्वेशन पर जो ये आपकी है इस पर, या आप इक्वेशन लीजिए 2y माइनस x इक्वल टू 8, ये फर्स्ट इक्वेशन जो थी आपकी यहां आपने लिख दी, ठीक है जी। इसके बाद में आप दूसरे कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करिए, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2.8, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 यहां पर हो गया, y इक्वल टू 2.8, y इक्वल टू 2.8 यानी कि 3 से थोड़ा सा कम, ये जो दूसरा पॉइंट है ये हो गया आपका ये वाला। फिर इसके बाद में x इक्वल टू माइनस 14, x इक्वल टू माइनस 14 हो गया और y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू y इस पे 0 होगा और x इक्वल टू माइनस 14 ये हो गया आपका। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यानी कि मिलाएंगे, इसको मिलाते हुए आप लाइन खींचेंगे, तो ये पॉइंट यानी कि यहां पर आपका कट कर रहा है। इस इक्वेशन को लिख दीजिए यहां पर, सेकेंड इक्वेशन थी आपकी 5y माइनस के x इक्वल टू 14, ये हो गया। फिर इसके बाद में तीसरा ये था आपका, तीसरे इसके अनुसार x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 यहां हो गया। फिर इसके बाद में x इक्वल टू माइनस 0.5 यहां पर, x इक्वल टू 0.5 ये और y इक्वल टू 0, तो यहां पर ये हो गया। फिर इसको इसको दोनों को मिलाते हुए यहां पर हम लाइन खींचेंगे तीसरी, तो यहां पर हमारे पास में ये तीनों लाइनें जहां एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट जो ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल हमारा बन गया, ये वाला ट्रायंगल हमारा बन गया, ये वाला ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट जो होंगे, यहां पर कोऑर्डिनेट हो रहा है, यहां पर कोऑर्डिनेट हो रहा है, यहां पर कोऑर्डिनेट हो रहा है, उन कोऑर्डिनेट्स को आप लिख देंगे। तो ये तीसरी लाइन जो हमारी बनी थी इसका आपने ये इक्वेशन आपने यहां पर लिख दी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट कितने हुए, x इक्वल टू माइनस 3 एंड y इक्वल टू करीबन 2 है या फिर 2 से थोड़ा सा कम है, यानी कि 1.9 भी कह सकते हैं इसको, ठीक है जी। इसके बाद में ये यानी कि x इक्वल टू कितना हुआ आपका
टू से थोड़ा सा कम है, यानी कि 1.9 या 2 होगा एग्जैक्ट, जब स्केल से नापेंगे तो यानी कि एग्जैक्ट आएगा। तो यहां पर ये और y इज इक्वल टू यानी कि 3, फिर ये x इज इक्वल टू -3.5 और y इज इक्वल टू यानी कि आपका 6.2 के आसपास। तो यानी कि एग्जैक्ट आप स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्ट आपका आएगा, ठीक है जी। यहां पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक आध पॉइंट का अलग फर्क हो सकता है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 31 करना था। अब 31 का जो सेकंड पार्ट है, यहां पे कह रहे हैं यदि एक त्रिघात बहुपद इतने का एक शून्य मान चार है तो उसके अन्य दो शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर इसका जो सेकंड पार्ट है ये किस तरीके से करना था, यानी कि आपको कोई इक्वेशन दी हुई है एक्स रेज्ड पावर 3 माइनस के 3x² माइनस के 10x प्लस में 24, इसका एक शून्य यानी कि एक एक्स की वैल्यू आपको जीरो फॉर गिवन है, एक्स इक्वल टू यानी कि आपको एक एक्स की तीन वैल्यू होंगी, रेज्ड पावर यहां तीन है, यानी कि त्रिघात बहुपद कहा जा रहा है, यानी कि ट्रिनोमियल कहा जा रहा है, तो यानी कि सबसे बड़ी पावर तीन है, तो यानी कि इसके एक्स की वैल्यू तीन होंगी। तो यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू आपको ये दी हुई है, तो यानी कि आपको दो वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले यहां पर आप इसको इधर ले जाइए, यानी कि फोर को इधर ले जाइए, तो एक्स माइनस के फोर इज इक्वल टू जीरो, आपके पास में एक इक्वेशन हो गई एक और एक इक्वेशन हो गई है, यानी कि इस इक्वेशन से इसको आपने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो आप डिवाइड कर लीजिए, एक्स 3 माइनस के 3x² माइनस के 10x प्लस में 24, इसको आप डिवाइड करेंगे एक्स माइनस के 4 से। एक्स माइनस 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि तीन में से इस एक पावर को घटाएंगे तो यानी कि एक्स की पावर 2 बच गई, और यहाँ न्यूमेरिकल नंबर कोई है ही नहीं तो यही रहेगा। एक्स की इससे एक्स टू की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा जो हमने यहाँ पर लेके चले थे, एक्स की पावर 3, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4x² हो जाएगा। यहां पर माइनस का साइन, यहां ये प्लस का हो जाएगा, इससे कैंसिल, तो यहां पर कितना बचा, प्लस का x² बचेगा, क्योंकि 4 में से 3 गए तो 1, माइनस के 10x और प्लस में 24। अब इसको भाग करेंगे तो यानी कि x यहां है, 2 में से पावर 1 गई तो यानी कि x की पावर 1 बची, यहां पे प्लस का, यहां पे प्लस का, तो दोनों जगह प्लस का है, तो प्लस का साइन यहां पर आ गया। x की पावर x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 आ गई, माइनस 4x की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4x हो गई, यहाँ पर ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, कट गया, यहाँ कितना आ गया माइनस के 6x आ गया, माइनस के आप ये प्लस के 24। अब यहाँ माइनस का 6x है, यहाँ x है, यहाँ सिर्फ x है, तो यानी कि x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -6x आ जाए, तो यानी कि -6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -6 के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x हो गया, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 24 हो गया। तो इसके बाद में ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो ये दोनों की दोनों कट गए, तो यहाँ पर आ गया जीरो। अब यहाँ पर जो ये हमारा कोशेंट जो आता है, यानी कि जो भागफल आता है, अब इस भागफल के हमें दो फैक्टर करने हैं, इस भागफल के फैक्टर करने हैं। तो भागफल के फैक्टर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यानी कि हमारे पास इक्वेशन आ गई हमारी x² प्लस में x माइनस के 6, ये आ गई। अब हमें 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं 2 और 3 ही आते हैं, तो यानी कि यहां पर ये x² प्लस में 3x प्लस का रहेगा, 2x माइनस का रहेगा, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है। तो यहां पर दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इसमें से दोनों में से x कॉमन आ सकता है, तो यहाँ x प्लस में 3 बचा, इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है तो x प्लस में 3 बचा, तो x प्लस 3 दोनों तरफ कॉमन, तो इधर क्या बच गया, x बच गया, इधर माइनस के 2 बच गया। तो x की वैल्यू यहाँ पर, यहाँ ये प्लस का 3 था, इक्वल टू 0 रख लीजिए, x माइनस के 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये इधर जाएगा, तो 3 माइनस, ये प्लस का है तो इधर किस में जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू -3 हो गया, और ये इधर जाएगा तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी कि आपका ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू यानी कि एक तो 4 दी हुई थी, x की वैल्यू -3 हो जाएगी और x की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो आपकी ये तीन वैल्यू इसकी यानी कि x की होंगी यहाँ पर। तो ये आपका आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 32, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, तो यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कम होती है, तो उसी दूरी को तय करने में उसे 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात कीजिए। तो मूल चाल हमें ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हमारे पास में कुल दूरी कितनी है, यानी कि डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बराबर यानी कि 480, यानी कि डिस्टेंस जिसे कहा जाता है, डिस्टेंस हमारी है 480 किलोमीटर प्रति घंटे, 400 किलोमीटर हमारी है, और पर्सन के अनुसार जो पहला
वो है उसके अनुसार, यानी कि फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, यानी कि जो है उसकी फर्स्ट कंडीशन जो है उसके अनुसार क्या कह रहे हैं कि उसकी जो चाल है वो हम मानेंगे, यानी कि माना चाल बराबर एक्स। तो लेट करें क्योंकि गिवन नहीं है तो हमें चाल लेट करनी पड़ रही है, यानी कि लेट द स्पीड। तो अब हमें टाइम कितना लग रहा है, यानी कि समय, समय क्या, समय क्या है, यानी कि टी वन, यानी कि इसमें समय कितना लगेगा, यानी कि फॉर्मूला होता है दूरी बटे में चाल। ये फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो दूरी हमारी 480 और समय हमारा एक्स लग रहा है। तो ये फर्स्ट कंडीशन के अनुसार। इसकी सेकंड कंडीशन के अनुसार क्या कह रहे हैं कि सेकंड कंडीशन में जो चाल है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही है। तो चाल कम हो रही है यानी कि एक्स माइनस के 8 हो जाएगी, तो इतनी कम हो रही है। तो आपका समय अब कितना लग रहा है, समय जो लग रहा है आपका यानी कि टी टू, यानी कि समय दूसरा जो समय लग रहा है, अब समय जो लग रहा है यानी कि वो कितना लगेगा, यानी कि 480 बटे में एक्स माइनस के 8, इतना समय यानी कि अब लगेगा। तो अब यहां कह रहे हैं कि उसी दूरी को तय करने में उसे 3 घंटे अधिक लगे, यानी कि अब जो है इसमें जो है आपके क्या हो रहे हैं कि यानी कि 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। अगर हम क्या करें कि इसमें 3 घंटे ऐड कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि टी वन प्लस में 3 इज इक्वल टू यानी कि टी टू। अगर यानी कि पहले समय में 3 घंटे ऐड कर दें तो यानी कि दूसरे में 3 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यानी कि टी वन कितना है हमारा, ये 480 बटे में एक्स जमा के 3 बराबर टी टू कितना है आपका, 480 और बटे में एक्स माइनस के 8। तो इसके अपॉन में 1 मानिए और तीनों का एलसीएम लीजिए। तीनों का एलसीएम ले तो एक्स इंटू के एक्स माइनस के 8 आपने एलसीएम ले लिया तीनों का। यहां पर तीनों का एलसीएम ले तो एक्स से इसको एक्स से काटेंगे तो यहां बचेगा एक्स माइनस के 8, एक्स माइनस के 8 तो ये बच गया, और 480 आपका ये है। तो प्लस में जब यहां 1 से डिवाइड करेंगे तो ये सारे सारा बच जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ब्रैकेट में x माइनस के 8 ये बच जाएगा बराबर x माइनस 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा और ये हो जाएगा आपका 480x। और जो नीचे अपॉन में आता है यानी कि दोनों साइड का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यानी कि वो कैंसिल हो जाता है, सिर्फ आपका ये बचा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए यानी कि ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को, ब्रैकेट को अगर ओपन करते हैं तो 480 को और एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं 480x माइनस के 480 के 8 के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यानी कि 0 8 64 6 8 32 और 6 38। तो आपका यह आ गया प्लस में, ये इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x² हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3 8 24x और बराबर इधर 480x। दोनों तरफ 480x 400x से x दोनों समान है और यहाँ दोनों के सामने भी साइन भी सेम है, तो ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपके सामने बचा ये, यानी कि इन तीनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका बच जाएगा माइनस के 1280 और ये बच जाएगा आपका x², ये बच जाएगा आपका 8x। तो इसको आप अरेंज वे में लिख सकते हैं, यानी कि x² माइनस के 8x माइनस के 1280 बराबर 0, यानी कि ये इक्वेशन आपने लिख दी। इस इक्वेशन को आप आगे सॉल्व कर सकते हैं किस तरीके से, यानी कि x² माइनस के 8x माइनस के 1280 इक्वल टू 0, यानी कि x² माइनस के 8x माइनस के 1280 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ 1280 के आप फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करने के बाद में आपका जो फैक्टर आएंगे तो वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, x² माइनस के यानी कि 40x और प्लस में 32x आपका आएगा। हम यहाँ पे 1280 इक्वल टू 0, तो दोनों में से इनमें से कॉमन ले लेंगे, इनमें से कॉमन लेते एक्स माइनस के 40 बचा आपका, इन दोनों में से 32 कॉमन लिया तो यहाँ एक्स माइनस के 40 बचेगा आपका इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस के 40, एक्स माइनस 40 दोनों तरफ से कॉमन आ गया, इधर आपका एक्स बच गया, इधर आपका प्लस में 32 बचा इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस के 40 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस में 32 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू आपका 40 हो गया और एक्स इक्वल टू ये माइनस 32 हो गया। तो स्पीड जो है कभी माइनस में नहीं होती, तो इसलिए ये नहीं होगा, क्या होगा आपका, ये प्लस वाला होगा, यानी कि ये। तो यानी कि उसकी चाल क्या थी, यानी कि जो चाल थी उसकी, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे थी उसकी जो स्पीड थी, यानी कि वो ये थी। तो यहां पर यही आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 33 किस तरीके से आपने सॉल्व करना था। तो यहां पे आगे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 33, यहां पर सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिगत बना समानांतर चतुर्भुज, एक सम चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज आपको प्रूव करना है और समानांतर चतुर्भुज वो कहा गया है कि समानांतर चतुर्भुज है।
तो यानी कि एक सबसे पहले हम एक समानांतर चतुर्भुज ही बना लेते हैं यहाँ पे। तो समानांतर चतुर्भुज हमने बना लिया, यानी कि कोई वृत्त बन रहा है जो यानी कि इसकी चारों भुजाओं को इस तरीके से छूता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर ये वृत्त इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर हम इनके नंबरिंग रख लेते हैं ए बी सी और डी, यहां से पी क्यू आर और एस। तो यहां पर हमने इनके नाम रख लिए। यहां पर ये समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी हमारे लिए समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी ऑलरेडी कहा है कि ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज है। ये समानांतर चतुर्भुज है, जब ये समानांतर चतुर्भुज है तो हमें पता है कि यानी कि ए बी जो है यानी कि आपकी किसके बराबर होगी, सी डी के बराबर, ये इसके बराबर, और आपकी जो बी सी होगी वो आपकी डी ए के बराबर या ए डी के बराबर, इसके बराबर होगी ही होगी। जब आपको ये यानी कि समानांतर चतुर्भुज दे रखी है तो समानांतर चतुर्भुज में आम सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है। जब यहाँ पर ये समान है तो आप यानी कि अब यहाँ पर आपको पता है कि जो बाह्य बिंदु होता है उससे अगर दो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो इसकी लंबाई इसके बराबर, इसकी लंबाई इसके बराबर, इसकी लंबाई इसके बराबर, और यहाँ पर ये चार लिख रहा हूं मैं, और यहाँ पर ये कि इसके बराबर होगी। तो यानी कि यहां से यहां तक अगर पॉइंट ए लेते हैं, ए बिंदु लेते हैं, तो ए बिंदु अगर आप मानते हैं तो ए बिंदु से यह क्या होगा, यानी कि आपकी एपी ये ले रहे हैं हम, एपी जो है ए एस के बराबर होगी ए बिंदु से, तो ये हमारा समीकरण नंबर वन हो गया। फिर बी बिंदु से ले रहे हैं तो बी बिंदु से आप यानी कि ये बीपी बराबर किसके होगा, ये बी क्यू के बराबर होगा, सेकंड इक्वेशन हो गई आपकी। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, सी बिंदु से लेंगे, सी बिंदु से अगर आप ले रहे हैं तो सी बिंदु से क्या होगा, सी बिंदु से आर सी और ये सी क्यू के बराबर होगा, ठीक है जी, इसके बराबर ये क्वेश्चन नंबर मतलब इक्वेशन थ्री हो गई। अब फिर डी बिंदु से लेंगे, डी बिंदु से अगर आप ले रहे हैं तो डी बिंदु से यानी कि लेने पर आपका क्या होगा, यहां पर ये डी आर और डी एस के बराबर होगा, डी आर बराबर डी एस के बराबर होगा, ये समीकरण नंबर चार हो गया। अब आप इनको सबको जोड़ते हैं, जब इनको जोड़ते हैं तो यानी कि चारों को समीकरण एक दो तीन और चार को जोड़ने पर, जब जोड़ते हैं इनको इस तरीके से, यानी कि लेफ्ट साइड को राइट साइड को राइट साइड में, तो अब हम आगे आपको लिख के दिखा देते हैं किस तरीके से लिखेंगे, यानी कि ए पी प्लस में बी पी प्लस में आर सी प्लस में डी आर इक्वल टू इधर ए एस प्लस में बी क्यू प्लस में क्यू सी प्लस में डी एस। तो ये आपने यानी कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में और राइट साइड को राइट साइड में, एपी और बीपी को जोड़ते हैं तो आपका क्या बनता है, इन दोनों को जोड़ते क्या बनता है, इन दोनों को जोड़ते क्या बनता है, और इसको इसको जोड़ते हैं क्या बनता है, एपी और बीपी को अगर आप जोड़ते हैं तो एपी और बीपी को जोड़ते हैं तो एबी बनता है आपका, और आरसी और डीआर को जोड़ते हैं तो आपका क्या बनता है, आरसी और डीआर को जोड़ते हैं तो आपका बनता है सीडी, और यहां पर इनको अगर आप जोड़ते हैं तो बीपी और क्यूसी को जोड़ते हैं तो ये बनता है आपका बीसी, और ए एस और डी एस को आप जोड़ते हैं तो आपका बनता है डी ए। तो यहां पर आपको और ऑलरेडी कहा है कि ए बी सी डी के बराबर है, तो यानी कि सी डी की जगह आप ए बी रख सकते हैं, तो ए बी जमा के ए बी, और यहां बी सी, यहां पर आपने यहां ए बी, यहां पर ये ए बी रख दिया, तो यहां पर ये डी ए की जगह बी सी रख दीजिए, बी सी प्लस में बी सी, तो ये 2AB हो गया और ये 2BC हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो AB जो है BC के बराबर हो गया, AB जो है BC के बराबर है, आपको ये तो बराबर दिया ही हुआ था, अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर था ऑलरेडी, तो यानी कि चारों चार भुजा क्या होगी, बराबर हो गई। जब चारों भुजा बराबर है यानी कि अब यहां पर जब ये बराबर है तो यानी कि आपका हो गया यानी कि AB BC CD और डी ए चारों के चारों बराबर है तो क्या हुआ, यानी कि चतुर्भुज ए बी सी डी क्या हुआ, समचतुर्भुज हुआ, समचतुर्भुज है। तो बस यही आपने निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर आप
34। क्वेश्चन नंबर 34 किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, तो यहां पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को, तो सिद्ध कीजिए, यहां पर आपको सिद्ध करना है कि किस तरीके से इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन कहा है आपसे, जो कहा है हम लिख लीजिए, 2 sin 6 थीटा प्लस में cos 6 थीटा माइनस के 3 into k sin 4 थीटा प्लस में cos 4 थीटा और प्लस में 1 = 0। यानी कि ये इतनी इक्वेशन 0 के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे तोड़ते हैं, तो वो हम आपको बता रहे हैं यहां पर। और ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादातर इसी तरीके से तोड़ के बनाया जाता है। तो यहां पर साइंस ये जो 6 है इसको कैसे तोड़ा जाता है, तो सबसे पहले 2 है तो 2 को बाहर लिख लीजिए, इसके बाद बड़ी ब्रैकेट लगा लीजिए, इसके बाद में इसको आप तोड़ेंगे यानी कि इस तरीके से, साइन स्क्वायर थीटा और इसकी रेस्ट पावर 3 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 3। तो आपने ये इसमें तोड़ लिया, माइनस के 3 into k साइन, इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो यहां पर बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए और साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और उसका भी पावर 2 और यहां पे प्लस का 1, ये इक्वल टू 0 को प्रूव हमें करना है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इसमें आधे तो इसको यानी कि a क्यूब और प्लस में b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला आप यहां पर ओपन करेंगे, 2 into k, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा यानी कि a प्लस में b यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो यह का a प्लस में b हो गया क्योंकि a ये है और b आपका ये है। इसके बाद में यानी कि a का स्क्वायर पर b का स्क्वायर, यानी कि आगे आप यानी कि यहां पर साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस में फिर कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर और माइनस के यहां पे साइन स्क्वायर यानी कि a इंटू बी, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आपने यहां से यहां तक का ये ओपन किया, इसके बाद में माइनस 3 into k, इसको आप ओपन करेंगे तो इसको ओपन कैसे करेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर हो रहे हैं यहां पर दोनों तरफ, ये जो स्क्वायर है अभी हमने यही इसमें क्या कर रहे हैं कि एक बार 2 sin² θ कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर रहे हैं, यानी कि 2 sin² θ कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर रहे हैं, एक बार माइनस कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कर रहे हैं और यहां पर यानी कि प्लस का 1। इसके बाद में इसमें क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई तो 2 into k इसकी वैल्यू 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करते तो यही बचेगा, तो यानी कि आपका ये बच जाएगा यहां पर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये है। फिर इसके बाद में यहां पर यह है माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें भी आप क्या करें, जो आपने यहां पर किया है वही वहां पर कंडीशन, यानी कि एक बार प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में एक बार प्लस, एक बार माइनस किया तो एक बार प्लस करना है कॉस स्क्वायर थीटा, यह आपका यहां से यहां तक का अभी तक यहां से यहां तक का आपने लिखा। फिर इसके बाद में माइनस 3 into k यहां पर आगे, यहां पर जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहां पर ये क्या हो रहा है कि ये कंडीशन जब आप अप्लाई करते हैं तो यहां पर ये हो जाता है आपका, ये वाला फॉर्मूला आपका हो जाता है, ये फॉर्मूला आपका हो जाता है यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला हो जाता है, ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला हो जाता है, यानी कि साइन प्लस ए प्लस में बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यहां से यहां तक का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यानी कि आप इसको यहां पर ये लिख सकते हैं यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इतने को, और ये माइनस के 2 sin² θ और कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका सेम एज इट इज रहेगा ही, यानी कि जो ये बाद वाला है ये रहेगा ही, प्लस में 1 यहां पर है ये आपका। तो इसके बाद में आप यहां पर जब आपने यहां पर ये ऐड किया है तो यहां पर यहां 2 into k वही कंडीशन आप यहां पर लगाएंगे, तो यहां ये और ये इसको मिलाकर आपका वही बनेगा जो अभी यहां पर बना है, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसके बाद में इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो इन दोनों को ऐड करने के बाद में आपका बनता है 3 साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका बच जाता है यहाँ पे माइनस के थ्री इंटू के, इसकी वैल्यू वन हो गई, वन का स्क्वायर किया तो वन ही रहेगा, वो वन का स्क्वायर किया तो वन ही रहेगा, तो वन माइनस के यहाँ पर ये टू साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा रहा आपका, और यहाँ बाद में प्लस वन है ही। इसके बाद में आप इसको क्या करेंगे, इसके बाद में आप इसको टू इंटू के, इनकी वैल्यू कितनी हो गई, वन हो गई, टू इंटू के वन माइनस के थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गई आपकी। फिर यहां पर माइनस थ्री इंटू के वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर प्लस में वन। तो इनको आप ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, टू वन जा टू माइनस के टू थ्री जा सिक्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको थ्री को अगर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो माइनस के थ्री माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो थ्री टू जा सिक्स साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्लस में वन। यहाँ पर ये और ये सेम है, दोनों के दोनों ये कट जाएंगे आपके, तो यहाँ बचा आपका टू माइनस थ्री यहाँ बचा और प्लस के वन यहाँ बचा। इसके बाद में टू और वन को ऐड किया थ्री, थ्री माइनस के थ्री इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ चुके हैं, अगर आपको ये सवाल समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको इस तरीके की यानी कि मैथ से रिलेटेड वीडियोस की अपडेशन आपको साथ के साथ मिलती रहे। तो आप हमारे साथ में बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक।